हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है और सभी लोगों को पता है कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों, जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी से आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिए ताकि आप जो है लेट ना हो जाएं और बाद में साइट ना चलने की प्रॉब्लम। इस बार वैकेंसी जो है बहुत कम इस बार रिपोर्ट हुई है। अगर हम बात करें तो एसएससी की तरफ से जो अभी नोटिफिकेशन आया उसमें दिया गया था, हम आपको दिखाते हैं वो चीज़। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक कितनी वैकेंसी पोस्ट वाइज जो है वो आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू हमें पता चली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सभी चीज़ें इस वीडियो में वैकेंसी से रिलेटेड बातें होंगी। वैकेंसी बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय अनअकैडमी पे आपको बहुत ज़बरदस्त ऑफर मिल रहा है प्यारे विद्यार्थियों। PMYT कोड आप यूज़ करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है और साथ ही में आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। 1 साल, जब आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ का फ्री मिलेगा और 12 मंथ में भी एक साल आपको फ्री मिलने वाला है। 3644 रुपये में आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आप एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप इसका ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, तो जल्दी करिए, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी ने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया था कि 7500 वैकेंसी जो है वो इस बार अप्रॉक्स होने वाली है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी अप्रॉक्स वैकेंसी है, ठीक है ना। और इसमें लिखा गया है कि जो स्टेट वाइड वैकेंसी है वो अभी तक जो है एसएससी कमीशन की तरफ से जारी नहीं की गई है, ठीक है। और स्टेट वाइज या फिर जोन वाइज, तो अभी क्या है, कई सारे ऐसे जोन है जो कि कलेक्ट कर रही है, उसके बाद एसएससी फाइनल इसका बताने वाली है। तो हो सकता है, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोन है जिन्होंने अब तक अपना पूरा का पूरा डिटेल जो है वो नहीं दिया है। तो एक बार नजर हम घुमाते हैं कि जो एज 27 से ऊपर की वैकेंसी है, 2023 में जो 27 साल से ऊपर की जो वैकेंसी है वो कितनी है और कैसे कैसे हम लोग ये सभी आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू प्यारे विद्यार्थियों हमें पता चला है, ठीक है। अलग अलग आरटीआई का रिप्लाई है, उसके थ्रू पता चला। अगर हम बात करें पोस्ट 4800 ग्रेड पे में, जिसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आते हैं, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की इस बार 225 वैकेंसी है और 28 वैकेंसी आपकी यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर की, टोटल 253 वैकेंसी है। साथ ही में अगर हम बात करें सीजीए 4600 ग्रेड पे की नौकरी की, तो सीएसएस जो एएसओ में है प्यारे विद्यार्थियों, उसकी 440 वैकेंसी है। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें, ठीक है ना, अगर हम इसमें यूआर कैटेगरी की बात करें कि क्या है यूआर कैटेगरी में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो 240 यूआर है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ये आपकी 44 वैकेंसी है, ठीक है। अगर हम साथ ही में एससी की बात करें तो ये 70 वैकेंसी है, एसटी जो है वो 5 है और ओबीसी जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी 81 वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है ये? एएसओ सीएसएस की, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसमें आपको देख रहे हो, इसमें एसओ की कैट में, ठीक है, इसकी केवल और केवल 5 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। साथ ही में अगर डियर स्टूडेंट हम लोग बात करें आगे, जो इलेक्शन कमीशन रेलवे में एसओ की बात करें, तो 24 आपकी यहाँ पे पोस्ट मिल रही है, ठीक है। और ये कैटेगरी वाइज डिफाइन नहीं है अभी। और अगर हम बात करें इंस्पेक्टर की, जो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है वो 168 वैकेंसी है। कितनी है? 168। साथ ही में अगर हम प्यारे विद्यार्थियों बात करें इंस्पेक्टर जीएसटी की, ठीक है ना, जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें, तो पहले 1499 हुई थी, लेकिन अब जब नोटिफिकेशन आया है उससे कुछ देर पहले ये वैकेंसी जो है वो बढ़ गई है और बढ़ के 572 वैकेंसी बढ़ी है। साथ ही ये कितनी हो चुकी है? 2072, ठीक है ना, 573, 2072 वैकेंसी ये हो चुकी है, ठीक है ना। यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है इस बार अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है। एग्जामिनर की अगर हम बात करें तो 31 पोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, 39 पोस्ट है आपकी प्रिवेंटिव ऑफिसर की, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम और भी बातें करें, जिसमें डिविजनल अकाउंटेंट कैग में है वो अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं हुई। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट की एक वैकेंसी है और मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक यानी जेएसओ की 108 वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिली है, ठीक है। अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसी भी क्या है, थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पे आप जो लिखा गया 39, यहाँ पे प्लस कर लो आप, 276 टोटल वैकेंसी यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की भी 276 वैकेंसी टोटल हो चुकी है। साथ ही में हम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की अगर हम बात करें, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की,
तो ये वैकेंसी भी आपको प्यारे विद्यार्थियों 570 यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे असिस्ट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में, टेक्सटाइल में, तो यहाँ भी जो असिस्टेंट की वैकेंसी है वो आपकी एक मिल रही है ना। और सीबीआई में जो एसआई की वैकेंसी है, सीबीआई में एसआई की वैकेंसी प्यारे विद्यार्थियों 12 है, और ईडी में असिस्टेंट की वैकेंसी जो है ये प्यारे विद्यार्थियों असिस्टेंट की वैकेंसी 127 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो टोटल वैकेंसी अब तक हमें पता चली है वो पहले 3478 वैकेंसी थी, साथ ही में अगर इस 884 वैकेंसी और ऐड कर दीजिए, इतनी वैकेंसी अब तक जो है हमें 27 ए से ऊपर की पता चली है। ठीक है, अगर हम नीचे की बात करें, 27 साल से नीचे की जो वैकेंसी है वो कितनी है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपको क्लियरली क्लियरली दिख रहा है, 27 साल से जो नीचे की वैकेंसी है उसमें आपको दिख रहा है कैग में ऑडिटर की जो वैकेंसी है जो कि लेवल 5 की जॉब है, इसमें 63 UR की, EWS की 15, 23 SC, ST 11, OBC 41 और टोटल 153 है। ऐसे ही अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो प्यारे विद्यार्थियों 150 है, और आप देख सकते हैं 60, 15, 23, 12, 40 और, यानी कि अब अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट में, तो ये 475 है, कैटेगरी वाइज अभी तक नहीं पता है, और डिटेल ये दिया जाएगा SSC के साइट पे कुछ दिन बाद, तो ये सभी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो RTI के रिप्लाई के थ्रू पता चला उसकी डिस्कशन हम कर लेते हैं। 15 वैकेंसी आपकी इसकी हुई है सब इंस्पेक्टर में नार्कोटिक्स की। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में है। 34 वैकेंसी आपकी UDC में है जो कि आर्मी हेडक्वार्टर में है। CBIC में टैक्स असिस्टेंट की जो कि 737 वैकेंसी, अभी इसका भी आपका कैटेगरी वाइज नहीं पता चला है। टैक्स असिस्टेंट जो कि CBDT में है प्यारे विद्यार्थियों 231, 88, 96, 46, 126 यानी टोटल 587। और यहाँ पे जो below 27 वैकेंसी पता चली है वो आपकी 2151 वैकेंसी यहाँ पे डिक्लेयर हुई है। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी वाइज जो पोस्ट पता थी उसके हमने बारे में हमने बताया, और आपको टोटल जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली 7500 वैकेंसी जो है वो अभी तक SSC की तरफ से दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये मान के चलिए कि आगे आने वाले दिनों में वैकेंसी इंक्रीज होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा था कि जब 2022 की नोटिफिकेशन आई थी 2022 में, तो उसमें पता चला था कि 20,000 वैकेंसी हैं। ठीक है ना, और उसके बाद ये वैकेंसी 37,000 प्लस हो गई थी। ठीक है, जिसमें PSA की अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिली थी। तो हो सकता है अभी बहुत सारे जो कैडर हैं उन्होंने, बहुत सारे जो जोन हैं उन्होंने अपनी जो वैकेंसी है वो डिक्लेयर नहीं किया, रिपोर्ट नहीं कराई है, तो हो सकता है कि ये वैकेंसी और भी बढ़ने के चांस है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए। मैंने आपको कैटेगरी वाइज जो है और एज वाइज वैकेंसी बता दी, एज का बहुत बड़ा मैटर है, इसको इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी अनअकैडमी से करना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है और अपनी तैयारी में आप लग जाइए और बेहतरीन तरीके से इस बार 2023 में आपको नौकरी पाना है, तो अभी आपके लिए बेहतरीन मौका है 2023 में। इस 4373 में केवल आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें पा सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इन टॉपर्स की लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, जो टॉपर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं अगली बार यानी 2023 में आपको यहाँ पे दिख सकता है। लगभग 2023 के लिए जो है वो CHSL के लिए स्टार्ट हो चुकी है प्रिपरेशन, आप लग जाइए। जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं CHSL को, CGL को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो ऑफर का फायदा उठा के नोट्स लीजिए और अनअकैडमी से अपनी तैयारी करते रहिए PMYT डिस्काउंट कोड यूज करके। थैंक यू सो मच, और आई होप कि ये जो वैकेंसी वाला वीडियो है आपको पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी अपनी तैयारी आप करते रहिए बिना रुके बिना थके। बाय बाय, गुड नाइट।